सो गाइस यहाँ जावा जो है प्राग तो हमारे पास थी, उसमें थोड़ी दिक्कतें आ गई हैं। तो गाइस अपन यहाँ पे गाड़ी ले तो आए थे क्योंकि सचिन भाई फोटो खींच रहे थे, वो रहे सचिन भाई, इनकी फोटोज अभी डलेंगी मेरे इंस्टाग्राम पे, वो देखना। अब यहाँ से निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चलो उस चैलेंज को भी पूरा ही करते हैं। तो यहाँ से निकलेगी कैसे बाइक, निकालते यहाँ बाइक। बर्नआउट पड़ गई है गाइस, बट अरे निकल नहीं रही यार। निकल जाएगी, निकल जाएगी। बहुत ऑफ रोडिंग की है हमने, निकाल ली गाइज, फाइनली निकाल ली गाड़ी। मतलब फोटो के लिए कितना कुछ करना पड़ता है ना। एक और, एक और। भाई मजा आ गया, होने क्या भैया, नहीं इनके में नहीं है। सो गाइस यहाँ पे शूट मूट ऑफ रोडिंग सब हो गई थी खत्म, भाई फोटो खींच ले भाई के साथ हम लोग, और उसके बाद देन फिर जाएंगे गिन्नौरगढ़ फोर्ट की तरफ, फिर देखते क्या होता है वहाँ पे। तो अभी यहाँ से चलते फोटो क्लिक कराने के बाद। सो गाइस यहाँ का कुछ ऐसा सीन है कि यहाँ बाइक्स नहीं घुसने देंगे क्योंकि जानवरों का खतरा है, तो ओपन में नहीं जाना, मतलब ओपन कोई भी व्हीकल हो उसमें नहीं जाने देंगे आपको, पैदल अंदर नहीं जाने देंगे। बाकी यहाँ से 3 किलोमीटर आपको पहले कार से जाना पड़ेगा, उसके बाद 800-900 मीटर की ट्रैकिंग है। तो ऐसा सीन है यहाँ का, तो भाई हम लोग तो बाइक से ही आए हैं, तो बेसिकली हम लोग को तो मना कर रहे हैं घुसने के लिए क्योंकि यहाँ उनने बताया है 55 टाइगर्स हैं पूरे 92 किलोमीटर्स के अंदर, तो फिर उनने मना कर दिया और हम लोग डिसअपॉइंटेड हैं थोड़ा सा, क्योंकि यार इतने दूर से आए, एक और बार आए थे जब लॉकडाउन की वजह से नहीं घुसने दिया था, जब ऐसा कुछ नहीं था, और अब इस चीज़ की वजह से नहीं घुसने दिया है कि बाइक्स नहीं जा सकती। इन्होंने बोला कि बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, मतलब भालू मालू ये सब बता रहे थे वो लोग कि ऐसा भी है यहाँ पे, तो अब अपन क्या ही बोल सकते हैं, है ना। फिर यहीं तक की ये राइड होगी, अब आगे देखते हैं, कुछ मिलता है तो वहाँ जाते हैं हम लोग। बाकी इन्होंने बोला था किसी से बात करके आओ, तो फिर बात करने से भी वो भी अपने ऊपर वाले से पूछते, वो बोल रहे थे कोई भी अपनी नौकरी जोखिम में तो डालेगा नहीं सिर्फ उसके लिए। तो हमने भी फिर कंसीडर किया, अब जब नहीं जा सकते हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते, डिसअपॉइंटेड हैं थोड़ा सा, पर क्या करें, नेक्स्ट टाइम आपको दिखाने यहीं आएंगे, पर कार से आएंगे। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। तो भाई अब दुखी हैं, अब आप ही लोग मेरे को खुश कर सकते हो एक सब्सक्राइब करके। चलो भाई सब्सक्राइब कर देना, अब जा रहे हैं बाइक्स के पास, फिर देखते हैं कहाँ चलते हैं। भाई मतलब इतने मन से आए थे यहाँ घूमने के लिए, पर क्या ही कर सकते हैं अपन, गवर्नमेंट का भी कोई गलत कहना नहीं है, क्योंकि ओपन गाड़ियों पे मैक्सिमम टाइम जो शेर रहते हैं वो अटैक कर ही देते हैं। जितना मेरे को पता है कोलार साइड इंसिडेंट हुआ था, इसलिए मेरे को पता है, तो मैंने वो पेपर में न्यूज़ पढ़ी थी। अभी फ़िलहाल जा रहे थे सीधे सीधे जहाँ मंजिल ले जाए अपनी, ये सारे भाई का सीधे। हाय बेरो, हाय। गजब बेइज्जती है।
इसने भी नहीं देखा भाई, क्योंकि अगर आप तीन चार को हाय बोलोगे ना तो रपेट के खींच के तमाचा देंगे गाल को, इसलिए एक को घेरे में पकड़ो और उससे हाय बोलो, वो देखेगा घूरेगा और हुआ तो जवाब दे देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो गाइस आपसे फिर अब आगे मिलते जब तक आप इंजॉय करें। सो गाइस यहाँ जावा जो है प्राग तो हमारे पास थी, उसमें थोड़ी दिक्कतें आ गई हैं। ये कील घुस चुकी है इसमें तो वो निकल ही पाए, उसको तो छोड़ दो आगे कील चुकी है। हाँ छोटी बारीक है वो निकाल दो ना। नहीं नहीं भाई और निकल जाएगी, पूरी निकल जाएगी, जो बची वो भी नहीं रहेगी। सो गाइस यहाँ जावा जो थी अपनी उसमें एक कील घुस चुकी है, तो वो पंचर हो गई है। तो मतलब गिन्नौर घर के बाद ये दूसरी ट्रेजेडी, मतलब ट्रेजेडी नहीं बोल सकते, पहले तो गिन्नौर घर में हम घुस नहीं पाए, उसके बाद देन ये हो गया। हम देखते हैं आगे क्या होता है, अभी इसको करवाना है फिलहाल, तो चलो देखते हैं भाई। जैसा कि प्राग पंचर हो चुकी थी तो उसके लिए फिर लाइट वेटेड इंसान चाहिए था चलाने के लिए, तो अभी मैं प्राग ड्राइव कर रहा हूँ। देन इसके बाद हमें जैसी पंचर की दुकान मिलती वहाँ तक मैं ड्राइव करूँगा, बिकॉज सबके कंपैरेटिवली मेरा जो वेट है वो सबसे कम है, बस यही रीज़न है। तो अभी शॉप ढूंढते हैं पहले, फिर देखते क्या होता है। तो गाइस अपन चला के तो ले आए यहाँ तक इसका को जावा को, पर इसका पंचर हो गया था तो वॉबल कर रही थी गाड़ी, तो फिर इसमें भी पंचर बनवा लेंगे जब तक अपना गोप्रो भी चार्ज होएगा, ओनली 14% बचा हुआ है, और फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे और फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। और अच्छा है यहाँ से 400 मीटर्स की दूरी पे हमें पंचर की दुकान मिल गई, पेट्रोल पंप वाला बोल रहा था ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर होगा, पर वो पूरी वॉवल करने लगी थी इसलिए पंचर बनवाना मस्त था हमें। तो पंचर बनवाने के बाद अपन फिर वापस निकलेंगे राइड पे, और दूसरी ट्रेजेडी आज की राइड पे है अपनी है, तो चलो ये करवा के फिर निकलते राइड पे। अभी आ रहे हैं वो, ये लो लो। मजा आया रिएक्शन? चलो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, सबसे एक बार सब्सक्राइब करने बोल दो चैनल, थैंक यू भाई। गाइस फाइनली गाड़ी ठीक हो चुकी थी, हाँ ये कर लो पहले। गाड़ी ठीक हो चुकी थी मतलब उसका पंचर बन चुका था, वापस निकलने का टाइम हो गया है, तो हम लोग निकल रहे थे अभी, तो सब लोग देखो रेडी हो चुके हैं, ये देखो ये सब लोग रेडी हो चुके हैं, और भाई की गाड़ी वापस ठीक हो चुकी है, पंचर हो गई थी कोई बात नहीं, वो थोड़ी ऑफ रोडिंग कर ली थी तो वो, और भैया भैया इनके यही हैं वो जिनकी वजह से हमारी गाड़ी ठीक हो पाई, हम वापस जा रहे हैं अब राइड पे। थैंक यू भैया आपका, बिल्कुल बिल्कुल भैया आपके पास जरूर आएंगे हम लोग। सब वापस निकल रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, और फिर वहाँ से वापस कंटिन्यू करेंगे अपनी राइड, तो चलते हैं। और ये हमारे छोटे भाई लोग, बाय। अबे साले चलो अब चलते हैं वापस।